हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चार दुकानों और दो मकान में चोरों ने किया हाथ साफ। उत्तर शहर के मानपुर क्षेत्र में शनिवार रात को चोरों ने चार दुकानों को निशाना बनाया। दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और खाने पीने का सामान आदि पर हाथ साफ कर दिया। साथ ही उमरनी हाउसिंग बोर्ड में स्थित एक मकान में सेंध मार दी। वहीं गांधीनगर में एक सुनसान घर को निशाना बनाया, मुख्य द्वार का ताला तोड़ दिया, अलमारी में रखे आभूषणों और नकदी उड़ा ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, आवश्यक कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। शहर में इन दिनों खाकी सुसी चोरों के लिए वरदान साबित हो रही है। खाकी का रात्रि कालीन गश्त और मुस्तैदी को आईना दिखाते हुए चोर लगातार सेंध मारी कर रहे हैं। कमोबेश यही सिलसिला शनिवार रात को भी जारी रहा। देर रात को चोरों ने मानपुर क्षेत्र की दुकानों को निशाने पर लिया। चोरों ने मानपुर चौराहे पर नंदलाल ढाबेली वाले के प्रतिष्ठान को निशाना बनाया। कुछ दूरी पर स्थित सोनू किराना स्टोर के ताले तोड़ दिए। गल्ले में रखी करीब 10,000 की नकदी, बीड़ी, सिगरेट, साबुन आदि पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने खाकी की चुस्ती को चुनौती देते हुए मानपुर चौराहे के समीप स्थित शेषमाल किराना की दुकान के ताले तोड़ दिए। गल्ले में रखी करीब 4-5 हजार की नकदी समेत करीब 25,000 का खाने पीने का सामान ले उड़े। वहीं ऋषिकेश मार्ग स्थित मगन किराना स्टोर में फन का कमाल दिखा दिया, नकदी समेत करीब 10-11 हजार के सामान पार कर लिया। चोरों ने उमरनी हाउसिंग बोर्ड स्थित एक मकान का ताला तोड़ दिया, मकान में रखे सामान आदि उड़ा लिए। गांधीनगर के सुने मकान में किया हाथ साफ। चोरों ने गांधीनगर के कारीगर मोहल्ले के समीप स्थित बलराम खोड़ के आवास को रेडार पर लिया। गत 4-5 दिन से खोड़ बाहर गए हुए हैं। चोरों ने सुने पर घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया, कमरों को खंगाला, सारा सामान अस्त व्यस्त कर दिया। एक कमरे में रखी अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। चोरी के बारे में खोड़ को मोबाइल पर सूचना दी गई। खोड़ के आने के बाद ही चोरी किए गए सामान आदि की जानकारी मिल सकेगी। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।